प्रतापगढ़ द्वारा कांग्रेस पार्टी के पेट्रोल डीजल एवं गैस सिलेंडर और रक्षा सौदे राफेल घोटाले के खिलाफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी भारत बंद के समर्थन में प्रतापगढ़ बंद रखा गया। प्रतापगढ़ दिनांक 10 सितंबर को बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल व गैस के दामों की वृद्धि व राफेल घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी संपूर्ण भारत बंद के समर्थन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य सुरेंद्र चंडारिया के नेतृत्व में प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रतापगढ़ जिले के सभी उपखंड व कस्बों के बाजार बंद रखे गए। इस अवसर पर संपूर्ण प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के भारत बंद के तहत बंद का व्यापक असर रहा। इस अवसर पर प्रतापगढ़ ट्रक बस व टेम्पो एसोसिएशन ने भी भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड जिलाध्यक्ष मोहित भावसार ने बताया कि इस क्रम में प्रदेश कांग्रेस सचिव सुरेंद्र चंडालिया ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल एवं गैस सिलेंडर के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के भाव बदलाने के नियम लाकर देश की जनता को बेवकूफ बना दिया है और धोखा कर रही है। आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है, जिससे कि देश में महंगाई की मार बढ़ रही है। और पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को हम कम कर देंगे, लेकिन इन चार वर्षों में मोदी जी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है। हर तीसरे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। कहाँ 400 रुपए का सिलेंडर था वो आज 800 रुपए का हो गया है। कहाँ पेट्रोल 60 रुपए का, डीजल 60 रुपए था, पेट्रोल 60 रुपए था तो 100 रुपए पार करने वाला है, और कहाँ डीजल 45 रुपए था वो आज आप देख लीजिए तो 80 रुपए के आसपास चलने जा रहा है। यानी मोदी की कथनी और करनी में अंतर है, और इस कथनी और करनी में अंतर को जनता के सामने लाने के लिए आज कांग्रेस सड़कों पे है, और एक एक जनता को हम बताएंगे कि मोदी राज ने जो चुनावी घोषणा में जो वादे किए थे वो बिल्कुल टाइफिस हो चुके हैं, और ये मोदी सरकार वसुंधरा राजे सब मिलके जनता को परेशान करके उनको मतलब उनको मारने की स्थिति में लाए हुए हैं। आज गृहिणियों के लिए स्थिति गंभीर हो चुकी है, रसोई गैस आज चूल्हे बंद होने की स्थिति में आ गए हैं, और अब वसुंधरा और मोदी जी के अब उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जनता इनको 2019 और 2018 में उखाड़ फेंक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।